ये राजेश्वर साहब है ना, सर पे डंडा लेके चढ़ रहते हैं यार। विनोद ये कर, विनोद वो कर, चार हाथ पैर है विनोद के, अकेले विनोद क्या क्या करेगा। इनका बस चले ना तो पूरा का पूरा हिमालय उखाड़ के लाने को बोलेंगे विनोद को। चार पैसे देते सुस्त कर लिया। छमछम की आवाज कहां से आ रही है? पेड़ में से छमछम की आवाज। पेड़ डांस कर रहा है क्या भाई, या पेड़ के पीछे कोई डांस कर रही है? बरगद के पेड़ पे फूल? एक्सक्यूज मी, hey. फूलों में से छमछम की आवाज। फूलों में से छमछम की आवाज। hey. आवाज नहीं करने का। आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग? Hey! Hey! आवाज नहीं करने का। तू ऐसे नहीं मरेगा। ये तो what what what? Wow, what a beautiful bungalow. Yeah. कितनी अच्छी जगह है ये। हाँ, और यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है। Fantastic. हाँ, तुम्हारा तो काम ही बन गया। अब तुम्हारा हमसे बैठकर पेड़ पौधों के साथ बातें करो। मैं थोड़ा घूम के आती हूँ। लेकिन बेटा, ऐसी सुनसान जगह में हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। प्लीज डैड, राजेश्वर अंकल ने हमें ये जगह छुट्टियाँ मनाने के लिए दी है, so let's enjoy. और यहाँ पर किस बात का डर है? और वैसे भी डैड, हम कोई बच्चे थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी बेटा। कोमल, मैं भी आ रही हूँ। बंगले का वॉचमैन कहाँ है? बाहर भी नहीं आया। हेलो, हेलो, हेलो,
हेलो हेलो, यहाँ तो कोई नहीं है। हेलो, अरे यहाँ तो खाने का सामान रखा हुआ है और वॉचमैन या नौकर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजेश्वर ने मुझे कहा था यहाँ कोई ना कोई तो जरूर होगा। पर डैड, हम लोग कल रात को आने वाले थे ना, हमें आने में देर हो गई, इसलिए हो सकता है उसे लगा हो कि हम नहीं आने वाले। पर अब तो हम यहाँ पर है ना, मैं राजेश्वर को अभी फोन करता हूँ। डैड, छुट्टी का मूड रखिए ना, एंजॉय। हेलो राजेश्वर, यार आशुतोष बोल रहा हूँ। यार तेरा बंगला तो एकदम टेरिफिक है। पसंद आया ना, हैं? अब आराम से हफ्ते भर रहे। हाँ, फैमिली है ना साथ में? हाँ हाँ, दोनों बेटी हैं, कोमल है, नताशा है। पहले तो आई नहीं रही थी, मगर अब जगह देख के दोनों खुश हो गई हैं। मगर यार यहाँ पे तेरा कोई आदमी नहीं है। अरे अरे, वो था ना विनोद वहां पर, वो कहाँ गया? अरे किस विनोद की बात कर रहा है भाई, तो यहाँ कोई नहीं है। कमाले, ये विनोद कहाँ चला गया? खैर तू चिंता मत कर, वहां बंगले में खाने पीने का पूरा सामान भरा पड़ा है, हैं? और मेरा भतीजा अग्नेश आ रहा वहां पर। अग्नेश? अग्नेश? हाँ अग्नेश, भाई स्मार्ट बच्चा है, लेकिन थोड़ा सा उखड़ा हुआ है। मतलब थोड़ा सा हटा हुआ है। अरे आजकल के नौजवान जैसे होते हैं, जो समझ में नहीं आते हैं। ये तो किसे भेज रहा है भाई, कोई मुसीबत तो नहीं है ना? अग्नेश, अग्नेश है वो। हाँ ये विनोद कहाँ मर गया? शराब पीकर पड़ा होगा कहीं पर। अरे ओह, ये क्या है अग्नेश, क्या है, हैं? तुम एक ना एक दिन मुझे जान से मार कर रहोगे, हर वक्त तुम्हारा लगा रहता कुछ ना कुछ डराने का। अंकल आपको मेरा नाम पता है ना, अग्नेश, ए जी नेश, ए जी एन E-S-H. अंकल आपको मेरे नाम की स्पेलिंग याद हो गए ना, मतलब लाइफ बन गई आपकी समझ। थैंक यू वेरी मच। तुम जा रहे हो ना वहाँ फार्म हाउस में, हैं? वहाँ मेरा दोस्त आकर ठहरा हुआ है, जाओ जाकर उसकी मदद करो, वो विनोद पता नहीं कहाँ चला गया, जाओ। डैड कॉफी। थैंक यू बेटा, कितने दिनों से इन हॉलीडेज का हम इंतजार कर रहे थे, वरना बॉम्बे की लाइफ पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई और कब रात हुई। कोमल कहाँ है, दिख नहीं रही? कोमल, कॉफी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ। हाँ दीदी, अभी आ रही हूँ। घुंघरू की आवाज, ये आवाज कहाँ से आ रही है? बरगद के पेड़ के ऊपर फूल। कोमल गई कहाँ? कितनी देर हो गई? कोमल, कोमल, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? पापा मैं उसे देख कर आती हूँ। हाँ जरा देखो।
आशुतोष अंकल? यस। हाय। हाय। तुम अग्नेश? यस अंकल, अग्नेश, ए जी नेश। कितना अजीब नाम है। जी, वैसे क्या है ना, हमारे घर में नाम की किताब है और उसमें 33,000 नाम है, पर वो सारे नाम को छोड़ के मेरे डैड को यही नाम पसंद आया। But what the hell? Ow! I would. Well, fun, and I am there for the fun. What do you say? चलो अंदर चलो। तुम यही रहने वाले हो? Of course, uncle. Uncle, आपकी सेवा के लिए आया हूँ और अंकल ने भेजा है, so I'm here. तो बहुत मजा आएगा। चलो जल्दी चलो। वाओ, कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं ये। हाँ, मैंने अपने साथ बॉम्बे लेकर चलते हैं, हमारे घर की बालकनी में कितने अच्छे लगेंगे, है ना? अच्छा एक बात बता, बाहर इस तरह के और भी फ्लावर्स होंगे ना, हम ऐसा करते हैं हम उन सारे फ्लावर्स को। हाँ दी, फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन दी हम इनके बारे में कल बात करेंगे, पर दी आप अभी अपने कमरे में जाइए, वो मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज। अच्छा ठीक है। अच्छा तुझे मालूम है, राजेश्वर अंकल ने अपने भतीजे को भेजा है, उसका नाम है अग्नेश, ए जी नेश। थोड़ा खिसका हुआ है वो। आपकी ए जी नेश से भी हम कल मिल लेंगे। ओह, अभी मुझे बहुत नींद आ रही थी। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। डॉक्टर भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। पापा, मैं इसे नींद की दवाई दे देती हूँ, शायद सो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, देखो, 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 मैं देखता हूँ शायद अग्निश कुछ मदद कर सकता है क्या? फूल, ज़मीन के नीचे। कोमल दवाई खा लो। ज़मीन के नीचे। देखो। अग्निश, अग्निश, यहाँ आसपास कोई डॉक्टर मिलेगा क्या? मैं अंकल से वही कह रहा था कि यहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर प्रणय, आशुतोष बोल रहा हूँ। डॉक्टर, हम काड़ीनगर घूमने के लिए आए थे और अचानक कोमल की तबीयत खराब हो गई है। कोमल प्लीज,
क्या बताऊं उसे क्या हो गया है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। यस यस दैट्स राइट। बस आप जल्दी से घर पहुंचिए प्लीज प्लीज। जब से राजेश्वर अंकल ने यहाँ आना छोड़ा है तब से जो भी यहाँ आता है उसे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। इसका शरीर इतना गर्म क्यों है? मुझे क्या मालूम, मैं तो फिक्र से मरा जा रहा हूँ। कॉल बेटा, बेटा सब 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 ठीक हो जाएगा बेटा। देख डॉक्टर आ गए। देख बेटा बेटा बस बस बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, शांत बेटा। हाँ 108 कहीं थर्मामीटर खराब तो नहीं है? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखा है कि टेम्परेचर 108 के करीब पहुंच गया हो। ये क्या थर्मामीटर फट गया? सो हुआ क्या है डॉक्टर, हॉस्पिटल लेके चले क्या? क्या पता क्या हुआ है, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा केस पहली बार देख रहा हूं। शायद इनके दिमाग में कोई बात घुस गई है जिसकी वजह से इन्हें बहुत शौक लगा है। डॉक्टर इसके पहले तो कभी कमल को ऐसा नहीं हुआ है। लेट जाओ बेटा, बेटा लेट जाओ। कमल बेटे, बेटा बेटा लेट जाओ, लेट जाओ बेटे। बेटा बेटे छोड़ो बेटे, ये चले जाओ डॉक्टर यहां से, चले जाओ यहां से। चुप चुप छोड़ो बेटे, जाओ यहां से जाओ। ये क्या किया डॉक्टर? खांसी थी, हंसती रहती थी, न जाने किसकी नजर लग गई। मेरे ख्याल से अब इन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, ये केस मेरे बस में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके शरीर के अंदर कोई घुस गया है? ऐसा कुछ नहीं है, ये दिमाग की पावर की वजह से हो रहा है। मेरा एक दोस्त है करण, अमेरिका से पैरासाइकोलॉजी की पढ़ाई खत्म करके आया है, उससे बात करती हूँ, एक बार कोमल से मिलेगा तो शायद सब कुछ साफ हो जाए। डॉक्टर प्रणव ठीक कहते हैं, इसके दिमाग में कोई शक्ति आ गई है जिसके वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन ये अचानक हवा में कैसे उड़ने लगी? कहा ना अचानक शक्ति आ गई इसके दिमाग में, इसके दिमाग पर किसी तरह का बोझ है जिसका दबाव बार बार इसे परेशान कर रहा है। पर इसका कोई इलाज तो होगा। हिप्नोसिस करना चाहिए। हिप्नोसिस? हाँ, हिप्नोसिस मरीज के दिमाग को उसी जगह पर फिर से वापस ले जाता है जहां से उसकी दिमागी परेशानी शुरू हुई थी। वही फिर से हो रहा है करण, वही सब फिर से हो रहा है। कोमल कोमल शांत हो जाओ। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ कोमल? मालूम है डॉक्टर आखिर ये दिमाग की प्रॉब्लम चालू कहाँ से हुई? मैं बहुत बहुत अंदर सोई हुई हूँ, बहुत नीचे सोई हुई हूँ, मैं बहुत अंदर सो रही हूँ।
अखिलेश जी, अखिलेश जी। हाँ। आप कहाँ घूम रहे हैं? आजकल चौकीदारी शुरू कर दी है क्या? तुमको मैं चौकीदार नजर आता हूँ। मेरा नाम है A.G. नेश। ठीक है नेश जी, आजकल विनोद दिखाई नहीं दे रहा। उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक नंबर का दारूबाज है साहब, पेट के अंदर दारू गई ना फिर वो पेड़ पर चढ़ जाता है। हा? इसका मतलब वो इस वक्त पेड़ पे बैठा है। क्या नाम बताया आपने अपना? A.G. नेश। माँ बाप ने चाट का नाम रखा। पर फूल वो भी रात को चमकते हुए। शर्ट का टुकड़ा खून लगा हुआ। V.I.N.E.O.D. विनोद। ये तो विनोद की शर्ट है। भूल गायब हो गए। ये कहाँ से है? सपने में मुझे क्या क्या नजर आ रहा है? मैं पूछता हूं कौन है वहां? हेलो। हाँ बोलो गुड़िया। अंकल मैं अग्नेश बोल रहा हूँ। अंकल अग्नेश वैसे अंकल आप कौन सी गुड़िया की बात कर रहे हैं?
कौन? अरे हाँ, वो मैं वो गुड़िया की कहानी पढ़ रहा था वो किताब में, तो गुड़िया नाम मुंह से निकल गया। तुम बताओ तुमने कैसे फोन किया? अंकल, फार्म हाउस के गार्डन में विनोद की शर्ट मिली है, उस पर खून लगा हुआ है और विनोद का अभी तक कुछ नहीं पता। विनोद की शर्ट, खून के दाग, पता नहीं कहाँ है। नहीं नहीं, वो क्या हुआ होगा कि उसने किसी से झगड़ा किया होगा, तो उस वजह से। कोई बात नहीं, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचता हूँ। हाँ पहुँचता हूँ। लगता है मेरा बीता हुआ कल मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। पहले आशुतोष की फैमिली के साथ वो हादसा हुआ और अब विनोद के साथ भी। मुझे इसी वक्त वहां जाना होगा। वक्त आ गया है कि अतीत की इस कहानी को मैं वहीं जाकर खत्म कर दूं। इसे ध्यान से देखो कोमल, ध्यान से देखो, इसकी तरफ देखती रहो, बस देखती रहो, देखती रहो, देखती रहो कोमल, इसकी तरफ देखती रहो, ध्यान से देखती रहो, बस देखती रहो, देखती रहो कोमल, कोमल ध्यान लगाओ, याद करो उस दिन जब तुम घर वापस आई थी तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था, याद करो, कोशिश करो याद करने की कोमल, सब याद आ रहा है तुम्हें कोमल, कोशिश करो। नहीं करण, बस बस अब और कुछ मत करो। नताशा प्लीज, बीच में कुछ मत बोलो प्लीज। गुड़िया का नाम लिया और ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई उसे कुल्हाड़ी से मारना चाहता था। और ये फूल, ये किन फूलों के बारे में कह रही थी? चलो बेटा, चलो 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 चलो, सवाल सवाल बेटा, सवाल सवाल, शाबाश, चलो बेटा, चलो चलो, आहिस्ता आहिस्ता बेटा, आहिस्ता आहिस्ता, शाबाश। सवाल सवाल बेटा, अच्छा बस, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ बेटा, अच्छा बस, कुछ नहीं हो बेटा, कुछ नहीं। अब बताओ कहाँ है वो फूल? वो उधर है। वो यही है वो फूल। कोमल कोमल, यही फूल फार्म हाउस से लेकर आई थी। तो इनके बारे में बोल रही थी कोमल, जरूर कुछ होगा इन फूलों में। ओह माय गॉड, मैंने आज तक ऐसे फूल नहीं देखे। संभाल के करण, कितने खूबसूरत फूल हैं ये। मुझे तो अब डर लग रहा है इन फूलों को देख के। ओह नो, ओह नो, क्या हुआ? ये यहाँ पे लड़की, ये क्या, खून? खून? जहां से कोमल ये फूल लाई है उस जगह में कुछ गड़बड़ है।
गुस्से का भी कुछ गड़बड़ है। फार्म हाउस पे? हाँ, राजेश्वर ने मुझे जरूर कुछ छुपाया, उससे मुझे झूठ बोला। पर पापा, उसने आपसे कहा क्या था? उसने मुझसे कहा था कि फार्म हाउस में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लगता है कि गार्डन की किसी चीज में कुछ गड़बड़ तो जरूर है, जिसकी वजह से मेरी बेटी। आप क्या हुआ? इंतजार कर लिया कोमल, चलो अब हमें राजेश्वर को मारना होगा, खत्म करना होगा उसे। चलो चलो। यहां पर तो कोई भी नहीं था, पर आवाज तो अंदर से आई थी। नताशा, हमने कोमल को वहां अकेला छोड़ा था, उसे कुछ हो तो नहीं गया? ओह गॉड, जल्दी जल्दी चलो। कोमल, कोमल, ये कोमल कहाँ चली गई? उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। कोमल, 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 ये फूल, पापा, ये फूल, ये यहाँ कैसे आ गए? ये तो अंदर थे। इन फूलों में सब कुछ है, सब कुछ है। इन फूलों में मुझे एक चेहरा दिखाई पड़ा था अंदर। हमें उस फार्म हाउस में ही जाना चाहिए। चलिए। लड़की से जुड़ी हर चीज को ले जाकर मैं समंदर में फेंक दूंगा, शायद उसके बाद फिर कभी उसकी आत्मा मुझे परेशान नहीं करेगी। राजेश्वर, कहाँ जा रहे हो राजेश्वर? तुम क्या, कैसे? तुम तो इतनी जल्दी भूल गए? कितनी बेरहमी से मारा था तुमने मुझे। नहीं, नहीं। हाँ, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा राजेश्वर। मुझे माफ कर दो गुड़िया। चलो चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें मरना होगा। मुझे माफ कर दो गुड़िया, माफ कर दो मुझे। मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। गुड़िया, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अच्छा, तो यही वो वजह है जिसकी वजह से राजेश्वर फार्म हाउस मैनेजर डरते थे। उधर क्या अग्निश, साफ साफ बोलो ना। वो पेड़ आपकी बहन कोमल। कोमल? हाँ हाँ, कहाँ है कोमल? वो पेड़ कोमल को खा जाएगा। हमें गुड़िया की लाश को ढूंढना होगा, नहीं तो एक ही करके हम सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। चलो तुम गाड़ी में बैठो, बैठो, चलो आज आ चलिए। कोमल,
वो पेड़ है। कोमल, यही वो पेड़ है जिसने राजेश्वर की जान ली। यही वो पेड़ है। राजेश्वर को खा गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कोमल, नहीं 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 नहीं, आप आगे मत जाइए, आगे मत जाइए, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगा। कोमल, पहले पहले वो जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पर राजेश्वर अंकल ने गुड़िया की लाश को गाड़ा है, नहीं तो ये गुड़िया की आत्मा। पापा, कोमल, यही कहीं होनी चाहिए, यही कहीं होनी चाहिए गुड़िया की लाश, मैं यही ढूंढता हूँ। कोमल, कोमल ये क्या हो रहा है? कोमल, मैं भी जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? इस गुड़िया की कहानी का अंत लिखने। कोमल, कोमल, भगवान कोमल को ठीक कर दे। लगता है गुड़िया को यही गाड़ा है। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।